नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सरकार और किसान संगठनों के बीच पांचवें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। बैठक बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने किसानों को एक बार फिर से 9 दिसंबर को प्रस्ताव को बातचीत का भेजा प्रस्ताव। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं, जिसके चलते किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। सरकार और किसानों की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा हुई और अच्छे माहौल में हुई। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है, एमएसपी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का किसानों के सभी पहलुओं पर विचार करा जाएगा, और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को घर भेजने की अपील भी की है। कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की हर शंका को सरकार समाधान निकालेगी। मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने कोई सुझाव नहीं दिया, किसान अगर सुझाव देते तो जल्द समाधान होता। रेवाड़ी में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आ गए हैं, और साथ ही जिला सचिवालय पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तीनों बिलों को रद्द करने की मांग की गई है। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों में लगातार रोष जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने रोष जताया और सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग की। नूह के गांधी पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें अन्य किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया, जिसके बाद सभी संगठनों ने मिलकर सरकार विरोधी नारे लगाए। नू में सैकड़ों की संख्या में महिला किसानों ने दिल्ली कूच किया। काफिले में भारी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, और इन गांवों से दर्जनों ट्रैक्टर और गाड़ियों समेत सैकड़ों महिला किसान पैदल ही चल रही थी। पलवल से किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली की ओर कूच करने वाले पलवल के किसानों का समूह झाड़सेतली से चलकर दिल्ली की ओर निकला है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अब सरकार से वार्ता की तारीख नहीं, फैसला चाहिए, अब सरकार के हमारी आर पार की लड़ाई है। इस दौरान प्रगतिशील किसान मंच के जिला अध्यक्ष सतबीर डागर ने यह भी कहा है कि दिल्ली पहुंचकर वो दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करेंगे और सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना का टेस्ट कराया, जिसके बाद विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विज अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में भर्ती थे। फिलहाल अनिल विज की हालत ठीक बताई जा रही है। अनिल विज को रात में बुखार आया था, बॉडी में दर्द था, जिसके चलते विज का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही आपको बताएं कि अब अनिल विज अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अनिल विज की हालत बेहतर है, उन्हें सर्द है और इसके अलावा वो पूरी तरीके से ठीक है। रोहतक पीजीआई एमएस की तरफ से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना संक्रमित होने पर सफाई दी गई है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि कोरोना के ट्रायल में मरीजों का कोवैक्सीन चल रहा है। पीजीआई एमएस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक डोज के बाद 42 दिन दी जाती है, अभी कोवैक्सीन का ट्रायल फेल नहीं कह सकते। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट कर लिखा है कि आप अपनी दृढ़ शक्ति से इस बीमारी को जल्द मार देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि एमएसपी बिहार का किसान मुसीबत में है, अब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। किसान आंदोलन पर लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं।
राज्य मंत्री कमलेश ढाडा के विधानसभा क्षेत्र से जो दो जन प्रतिनिधि भी इस्तीफा देकर किसानों के हकों के लिए खड़े हो गए हैं। कैथल के गांव मटौर से सरपंच और जिला परिषद सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वहीं आपको बताएं कि जिला परिषद सदस्य ने कहा है कि किसान की बेटी है वो और किसानों के घर ब्याही भी है। किसानों के हक के लिए लड़ना उनका फर्ज बनता है, इसलिए किसानों की लड़ाई के लिए वो अपना पद छोड़ रहे हैं। गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि आज देश में सिर्फ 6% ही किसानों की फसल सरकारी रेट पर खरीदी जा रही है। सरकार को चाहिए कि MSP गारंटी के साथ फसल खरीदी जाए और हर साल बजट बढ़े। जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद 41% किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ है। बीजेपी की सोच किसानों को लेकर अच्छी नहीं रही है। जगबीर मलिक का कहना है कि देश में गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी सरकार ने विदेशों से गेहूं खरीदा है। सरकार की पॉलिसी सिर्फ बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने की है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मरकंडा से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले किसानों के हितैषी हैं, उसके बाद नेता हैं। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब से आंदोलन चल रहा है किसान भी परेशान हैं, उनके साथ साथ आम आदमी भी परेशान है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा और जनवादी महिला संगठन ने किसानों के धरने का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी का सोनीपत स्टैंड पर पुतला फूंका। कृषि कानूनों के खिलाफ भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान विरोधी कृषि कानून का विरोध किया। गांव के चंदेरा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबानी अंडानी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान सभा कार्यकर्ताओं ने सरकार को कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। अंबाला के खुड्डा कला में गांव में किसानों ने पुतले फूके। किसानों ने तीनों अध्यादेश के विरोध में पुतले फूके और साथ ही किसानों ने प्रदर्शन के दौरान कृषि कानून को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि कई बार सरकार को ये काले कानून वापस लेने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया गया, लेकिन सरकार बजाय लचीला रुख अपनाने का विरोध कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी बातों को मानने के बजाय किसानों पर लाठियां भांज रही है और पानी के बौछारे कर रही है। किसानों की बात मानने के बजाय सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। भवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किसानों से बातचीत के जरिए हल निकले, नहीं तो आने वाली 8 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के प्रति कैथल में समर्थन बढ़ता जा रहा है। सर्व जात सर्व खाप पंचायत के बैनर तले किसान कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर कृषि कानूनों के विरोध में पुतला फूंक रहे हैं। किसान संगठनों के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा भी दिया। सर्वखाप पंचायत ने कैथल में एकत्रित होकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में छोटू राम चौक पर पुतला फूंका और कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे। किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। हिसार में राघो खाप के बाद अब साखबास खाप ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान किया है। किताब सिंह मलिक की अध्यक्षता में किसानों के समर्थन में सातबास गांव के सैकड़ों किसानों ने हांसी में जाट धर्मशाला में इकट्ठा होकर दिल्ली कूच किया। इससे पहले राघो खाप ने प्रतिनिधियों से जाट धर्मशाला में मीटिंग करके किसानों को समर्थन देने की घोषणा की थी। उमरा सुल्तानपुर आदि करीब 11 गांवों की सातबास खाप ने दिल्ली कूच किया है। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों ने आंदोलन का ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर समर्थन किया और साथ ही कहा कि कर्मचारी संघ किसानों का बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर स्वागत करेंगे।
चरखी दादरी में किसान संगठनों को हरियाणा रोडवेज का समर्थन मिला है। किसानों के समर्थन में कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस काले कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती। सिरसा का फायर ब्रिगेड कार्यालय इन दिनों अग्निशमन गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी विभाग से तुरंत कर्मचारियों की तुरंत भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से ये मांग की जा रही है। हरियाणा सरकार अभी सारे सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक स्तर में स्कूल पाठ्यक्रम में योग को एक अलग विषय बनाने जा रही है और पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही योगा की आदत डलवाना है और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा योग परिषद की बैठक हुई है। दक्षिणी हरियाणा की 200 पंचायतों ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और पंजाब के किसानों को पत्र लिखकर एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करने का आग्रह किया। एसवाईएल के मुद्दे पर नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने 200 पंचायतों के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि सुनहरा मौका है, राजनीति से ऊपर उठकर एसवाईएल का समाधान ढूंढना चाहिए। सिरसा के खैरका गांव में 2 दिवसीय खेल मेले का शुभारंभ किया गया। खेल मेले का आयोजन नेहरू युवा क्लब और खैरका गांव की ओर से किया गया। इसके साथ ही स्वर्गीय बीजेपी नेता राजेश शर्मा की याद में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल मेले में पंजाब के कई कलाकारों ने भाग लिया और हौसला अफजाई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 16 टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया गया। तो वहीं प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद और 5 फुट की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। उपविजेता को 7100 रुपए नगद और ट्रॉफी दी जाएगी। तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज और एलईडी देकर सम्मानित किया जाएगा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन का जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया है। कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान वैक्सीन के वितरण के बारे में कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम जनता तक कोरोना वैक्सीन के लिए नागरिक अस्पताल में रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। उनका कहना है कि पहले स्वास्थ्यकर्मी और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक लैब भी बनाई गई है। देश में टीबी रोग 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हरियाणा में 2023 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसको लेकर यमुनानगर में डीसी और स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। यमुनानगर डीसी ने बताया कि यमुनानगर के रादौर और मुस्तफाबाद ब्लॉक में 500 के लगभग टीबी के एक्टिव मरीज हैं। टीबी के मरीजों का रोजाना कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जिन्हें कोरोना है उनका टीबी टेस्ट होगा। डीसी ने यह भी बताया कि दोनों रोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों के एक साथ होने पर मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अब कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है। कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस ने अलग अलग टीमों में अचानक वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड पर एक मकान में दबिश दी और मौजूद बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से बदमाश डर गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल 29 कारतूस भी जब्त किए हैं। साथ ही डीएसपी ने बताया कि विक्की उर्फ लाल मोस्ट वांटेड अपराधी, जिसकी पुलिस को तलाश थी, बदमाश पर 25,000 का इनाम भी था और 8 केस पहले से ही दर्ज थे। करनाल में हर परिवार के लिए उसका पहचान पत्र अनिवार्य बनाने के लिए करनाल जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करके इस काम को तवज्जो बढ़ाई। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वीणा हुड्डा ने बताया कि भविष्य में हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जिनका नागरिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले भी अभियान चलाया था और अब इस काम को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन तक शहर में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
साथ ही उनका कहना है कि परिवार का मुखिया अपने सभी सदस्यों के आधार नंबर, आयु और प्रमाण वोटर पहचान के पत्र, संबंधित बैंक का खाता नंबर लेकर सेंटर पर जा सकते हैं। पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने के चलते निगम के अधिकारियों ने हाफिज बाद धर्माटिक रामलीला क्लब को सील कर दिया। ये जगह निगम के द्वारा क्लब के किराए पर उपलब्ध करवाई गई थी। क्लब के ऊपर कई लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स भी देनदारी थी और साथ ही आपको बताएं इसके चलते क्लब को सील कर दिया गया है। पानीपत नगर निगम पिछले कई सालों से मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसको देखते हुए शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने पूर्व में कमिश्नर सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है। हिसार में बुजुर्ग महिला उसके बहू द्वारा निकाल दिए जाने वाला वीडियो सामने आया था, जिसके बाद हरियाणा की महिला आयोग की मेंबर सुमन बेदी ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों को 3 महीने की सजा होती है, लेकिन वो सरकार से विचार विमर्श करके सजा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की अपील करेंगे। धर्मनगरी में सरकार के महिला संरक्षण के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ठंड के मौसम में 80 साल की बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। सामाजिक संस्था ने भी बुजुर्ग महिला को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ऐसे में दिहाड़ी मजदूर करने वाली डिंपल ने नैतिक दायित्व समझते हुए महिला की देखभाल की। कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध पार्किंग करने वाले और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसी के आदेश के बाद 9 राइडर नियुक्त किए गए। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी राइडर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित जगहों पर निरंतर गश्त करते रहेंगे। सड़कों पर दुकान के आगे सामान रखकर अतिक्रमण को हटाएंगे। राइडर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो उतारकर पोस्टल चालान भी करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि एसएचओ ने बताया कि 9 राइडर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कैथल शहर को जाम मुक्त रखने में मदद करेंगे। हांसी में कुछ दिनों पहले एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। 10 से 12 लोगों ने युवक पर हमला किया था। मामले में गिरफ्तारी न होने पर लोगों में खासा नाराजगी दिखाई दी। मामले में आक्रोशित दलित समाज के सैकड़ों युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित युवक धर्मेंद्र ने बताया कि 27 नवंबर को शाम उसे उसके भाइयों को धोखे से बुलाकर उनकी पिटाई कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में प्रशासन की कार्रवाई में पकड़े गए 2 ओवरलोड ट्रकों की जांच करते समय बिलों में फर्जीवाड़ा पाया गया। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लोगों की गिरफ्तारी की गई। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए लोग रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि हिमाचल से इनका क्या कनेक्शन है ये पता चल सके, क्योंकि हिमाचल में स्टोन क्रेशर के नाम से बिल मिले थे। मामले की जांच को लेकर पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग ने खींचतान सामने आई है। डीएसपी का कहना है इस पूरे मामले में पहले पुलिस जांच करेगी, जरूरी लगा तो मामले में डीटीसी को सूचना दी जाएगी। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 1557 नए केस दर्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 2551 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 2564 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में कोरोना के 395 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 314 लोगों की मौत अब तक सामने आई है। फरीदाबाद में कोरोना के 333 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण एक शख्स की मौत हुई, अब तक 360 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में 24 घंटे में 36,010 नए केस दर्ज किए गए हैं। 479 मरीजों की मौत हो चुकी है। 96,44,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 4,02,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए 3,419 नए केस, 77 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 95 मरीजों की मौत, तो वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 47,694 के बाद अब तक 82,849 केस एक्टिव पाए गए हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में सामने आए 1,366 नए केस, साथ ही 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 11,777 मरीजों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में 1,833 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 5,22,867 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 22,245 केस एक्टिव हैं। तो वहीं राजस्थान में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव पाए गए हैं। एक दिन में 2,076 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 2,78,000 के पार पहुंचा।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आया है कोरोना के 630 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,71,000 के पार। 6,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6,68,00,000 के पार हुए। अब तक 15,34,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। पूरी दुनिया में 1,90,00,000 के पार कोरोना के केसेज एक्टिव। अमेरिका में लगातार कोरोना ने मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,49,00,000 तो वहीं अब तक 87,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,76,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 65,77,000 से ज्यादा। रूस में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या फिलहाल 24,31,000 हुई। साथ ही 4,72,000 से ज्यादा केस एक्टिव पाए गए। 42,684 मरीजों की हुई मौत।